जो औरत 1 मिनट में बात मान ले वो माँ है, 3 मिनट में मान ले वो बहन है, 5 मिनट में मान ले वो बेटी है, और जो बार बार कहने पर भी ना माने वो बहरी है। ऐवी बीवी को बदनाम ना किया करें। भाभी नाराज है क्या? कल आपका बर्थडे था, बुलाया क्या आप मुझे? आपका भी तो स्वागत, आपने बुलाया था क्या मुझे? क्या? कल मैंने सपनों में तुम्हें पड़ोसन के साथ समंदर के किनारे घूमते हुए देखा था। अरे यार, वो तो सिर्फ तुमने सपने में देखा था, फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा बेटा, मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में तो न जाने क्या क्या करते होंगे। पता नहीं औरतें अपने पति की कैसे बुराई कर लेती है, मैं तो कभी नहीं करती। चाहे शक्ल से काला कलूट है, कंजूस मक्खी चूस है, और अकल तो हमेशा घर चढ़ने गई रहती है, और खराटे तो ऐसे मारता है आधा मोहल्ला उठ जाए रात को। मन तो करता नाक में बॉस घुसेड़ दूं। बेबी हाँ? चलो कुछ डर्टी बातें करते हैं ना। तुम्हारे मुंह में गु। शांति जी साहब, तुम तो मेरी बीबी से भी ज्यादा सुंदर हो। झूठ मत बोलो साहब। नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, पर ड्राइवर तो बोल रहा था मेम साहब ही ज्यादा सुंदर है। भाभी एक बात बताओ, कॉलेज टाइम में आपका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं तो। अरे बता भी दो, भैया को थोड़े ना बताएंगे। अच्छा हाँ, वो एक लड़का था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और। खैर छोड़ो भाभी, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, दो वरना भैया को बता दूंगा। अरे देवर जी, सच में मेरे पास पुराने कपड़े हैं, डोनेट कर दूं क्या? फेंक दे यार, क्या डोनेट करेगी? अरे नहीं, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी बेचारी कोई ना कोई पहन ही लेगी। अरे तेरे नाप के कपड़े जिसको आ जाएंगे वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। अनि किन पोते पोते गर्नु भानी? मेरो थुतुनोमा लाली घसेन भने कस्तो कस्तो भएर निगटा लाग्छ कि। बीवी खूबसूरत हो तो खुशी खुशी में 3-4 बच्चे हो जाते हैं, और अगर खूबसूरत ना हो तो गुस्से में ही 7-8 बच्चे हो जाते हैं। पाकिस्तानी समझ में नहीं। ए पतिदेव। बोलो क्या काम है? काम कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। देखो जी, ये रोज रोज के झगड़े अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता कर लो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। ठीक है, बोलो क्या करना है? आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। अरे जानू एक बात बता, अपनी काम वाली भाई शांति कहाँ है? क्यों, उससे क्या काम है? अबे आज रात मैं उसी के साथ सोऊंगा। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साली, मेरी क्या गलती है? डॉक्टर ने बोला है शाम को दवाई लेकर शांति के साथ सो जाना। सुनो जी, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। क्या, अभी कल ही तो साड़ी मांगी थी। मैं आज की बात कर रही हूँ, ढंग से सुनते भी नहीं हो। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? है? सिर के नीचे नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर करते हुए रजाई खींचकर ओढ़ लें, आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और धीरे से बोलें, भाड़ में जाए काम। बहू अगर नींबू चाट रही तो जरूरी नहीं कि खुशखबरी ही हो। जमाना बदल रहा है, हो सकता है रात की उतार रही हो। सुनो जी, तुम्हारी बहन बिगड़ रही है। क्यों, क्या हुआ? आज उसकी सैंडल मुझे ड्राइवर के कमरे में मिली। ओह, लेकिन तुम उसके कमरे में क्यों गई थी? अरे मैं अपना दुपट्टा लेने गई थी। अगर पत्नी साड़ी का पल्लू कमर में बांध ली तो समझ लेना, या तो घर का काम निपटाएगी या फिर पति को। माँ को कैसी बहू चाहिए? भोली भाली लड़की। मुझे कैसी लड़की चाहिए? लड़की लड़की। पर असलियत में कैसी लड़की मिलती है? जीजी हमें रेडियो दिला दो। रेडियो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जोर जोर से बजा के सबको डिस्टर्ब करोगी। आम किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, रात में जब सब सो जाए ना हम तब बजाएं। ताकि 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 रे, जब तक तू आंखों में थाकी।
आज ही नई ड्रेस लाई हूँ दुकान से, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो, मन कर रहा है एक किस कर लूँ। हाँ पता है, दुकानदार भी यही बोल रहा था। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले। क्या बनाएगी? जो आप बोलो। दाल चावल बना ले, अभी सुबह ही तो खाए थे। तो रोटी सब्जी बना ले, वो मेरा मन नहीं है। तो छोले पूरी बना ले, रात को छोले पूरी कौन खाता है। तो खिचड़ी बना ले, बीमारों वाला खाना। तो पनीर बना ले, इतना हैवी कौन खाएगा। तो कड़ी चावल बना ले, दही नहीं है। Oh, no. तू एक काम कर, मैगी बना ले, पर मैगी से पेट थोड़ी भरता है। तो फिर क्या बनाएगी, जो आप बोलो। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे साथ जब भी गले लगाते हैं ना, पूरा शरीर तोड़ देते हैं। सही कह रही हो दीदी, पिछली बार तो मुझसे पोछा ही नहीं लगा था, इतना दर्द हो रहा था। पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, गई नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली, टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। नहीं काजल, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। सिनेमा हॉल खरीद। मम्मी आप राजा की लड़की हो। नहीं बेटा। मम्मी आप प्रधानमंत्री की लड़की हो। नहीं। मम्मी आप जज की बेटी हो। नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? मम्मी फिर आप हुकुम के चलाते रहते, ये कर ले वो। का देखा था? तहारा के। ऐसे मत देखा। का है? नहीं तो हमके प्यार हो जाए। ना हुई प्यार। ना हुई तो चपले चपले मारा। मम्मी मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे को। अरे वाह, आज फाइनली बाबू सोना जादू टोना के बाद माँ की याद आ गई तेरे को। अरे मम्मी लेकिन नहीं, अपने अपने मोबाइल में ढूंढना, लिख गूगल पे लिख वेयर आर माय सॉक्स, मिल जाएगा। मम्मी मेरी गूगल मैप में सॉक्स का लोकेशन डालना। अरे फिल्म देखने चलेगी? अंग्रेजी की? हिंदी? तने जोन सी बढ़िया लगे, अंग्रेजी वाली बढ़िया हो है। फिर हिंदी में समझा दोगे? हाँ कति, कोने वाली सीट पे बैठेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक में दो स्ट्रॉ लाके। बेगम एक बात तो बताओ। हाँ जी पूछे। शादी से पहले जो मैं तुमसे बातें करता था, इनमें से अब कौन सी बात तुम्हें सच्ची लगती है? वही जो आप किया करते थे। कौन सी बात? कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। हैं? टीवी पे सीरियल देखते समय मैंने एक बार नोटिस तो जरूर की है कि जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत। पूजा। हाँ जी आई। अरे क्या सब्जी बनाई यार, गोबर जैसी यार एकदम। हे भगवान, इस आदमी ने सारी चीजें चख रखी हैं। अरे काय को रो रहा? टीचर मारी मेरी को। काय को मारी चुड़ैल तेरी को? ना उसको मुर्गी बोला। अरे काय को बोला रे ऐसा? काय को बोला तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरी को। रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा, गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मिलोर्ड, जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म। सब कहते हैं दारू छोड़ दो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि दारू छोड़े किसके पास। सारे दोस्त तो कमीने, पी जाएंगे फिर वापस ही नहीं मिलेगी।